अब क्यों फोन किया आपने मुझे? आना चाह रही थी तुम्हारे पास, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी, तो सोचा पहले तुमसे कॉल पे बात करूं फिर आऊं तुम्हारे पास। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आलिया मुझे इस तरह धुतकारो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी बात तो सुनो। आपकी बात सुनू? हाँ आपकी बात सुनू मैं, जिसने इस बात का भी मान नहीं रखा कि आलिया आपकी हर बात पे आंख बंद करके भरोसा करती थी, जान छिड़कती थी मैं आप पे। सच बताएं महाजबीन जी, क्या एक बार भी नहीं सोचा आपने कि हकीकत जानकर क्या बीतेगी मुझ पे? यही सब कुछ सोच के तो सच नहीं बता पा रही थी मैं तुम्हें। तुम यकीन करो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर तोड़ दिया ना। आपको पता है महाजबीन जी आपने क्या किया? आपने वो किया जो सिर्फ एक धोखेबाज इंसान कर सकता है। मिन्नत की थी मैंने आपसे कि मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, लेकिन आपने वो ही किया। अब आपकी इस हरकत की वजह से मेरा पूरी दुनिया से एतबार उठ गया। मैं जानती हूँ आलिया, भरोसा तोड़ना महज एक गुनाह ही नहीं होता, बल्कि भरोसा तोड़ने वाली की सारी जिंदगी ही बदल जाता है। अब जब जब तुम अपने टूटे हुए दिल से किसी पे भरोसा नहीं कर सकोगी तो इसका गुनाह भी मुझे ही मिलेगा। आप अपने गुनाहों के हिसाब की फिक्र ना करें, क्योंकि आपकी बार मेरा दिल ऐसा टूटा है कि कोई चाहकर भी ना इसे जोड़ नहीं सकता। तो तुम्हारा टूटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना? आलिया की शादी सिर्फ और सिर्फ एक महरम के लिए थी, और मेरा यकीन करो मैं नहीं जानती थी कि तुम जाहिद से। अच्छा वाकई? तुम्हारा ये रवैया मेरे लिए बहुत तकलीफ दे आलिया, लेकिन तुम्हें हक है, हो सकता है शायद इसी तरह तुम्हारे दिल की सारी भड़ास निकल जाए। गुनाह तो हुआ है मुझसे आलिया, बेशक अनजाने में ही से, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बद्दुआ देती हूँ मैं आपको कि आप कभी खुश ना रह सके। बद्दुआ? मेरी जिंदगी तो मेरे लिए खुद ही एक बद्दुआ है। लेकिन मैं दूंगी बद्दुआ ताकि वो तमाम उम्र आपके साथ रहे और रोज रोज आपका भी दिल तोड़े। आलिया मेरी बात, पूछ रहा हूँ आप कौन हैं और आपका क्या ताल्लुक है मेरी बहन से? बताती हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हो? सुनो, शबराता नापा ने तुम्हारी बहन के होने वाले ससुराल मुझे भेजा था।